तो और भाई लोग कैसे हो। वेलकम टू दी माई चैनल। स्वागत है आपका आज के हमारे इस तड़कते भड़कते पबजी ना मोबाइल गेम प्ले वीडियो में, जहां आज हम खेल रहे स्क्वेड वर्सेस स्क्वेड का मैच। तो फिर चलो आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो देखो यार, कहने के लिए ये मैच होता है स्क्वेड का, बट हमारे दो बंदे मिलिट्री बेस चले जाते हैं और एक बंदा मेरे साथ उतरता है। और इस नए सीजन में पबजी ने एक टेंट वाली जगह बनाई, हम वहाँ उतरते हैं। इस जगह पे बहुत टीमें आती हैं, बट इस मैच में एक भी टीम नहीं आती है। हम यहाँ पे लूट करते हैं और यहाँ पे ये आग वाला पता नहीं क्या दिया होता है, इसको जलाने के बाद इसके तरफ से कुछ सामान मिलता है, उसको लेके हम यहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से निकलते वक्त तभी मुझे एक बॉट भैया का दर्शन होता है। इस बॉट को भरने के बाद मैं इवेज उठा के अपने टीममेट को लेने जाता हूँ। क्योंकि सीजन का नया शुरुआत हुआ है तो हर सीजन के स्टार्टिंग मैच में बहुत सारे बॉट आते हैं, तो यहाँ पे हमें दूसरा बॉट दिखता है। इस बॉट को पेलने के बाद हम गाड़ी उठा के सीधे पोचिंग की निकल जाते हैं। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे बंदे होते हैं। तभी सामने मुझे एक बंदा दिखाई देता है। इसको नॉक करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तभी सामने ऊपर मुझे एक नॉक बंदा दिखाई पड़ता है। जो खुशी नॉक पड़े बंदे की किल चुराने में मिलती है वो और काम। तो फाइनली इन दोनों को फिनिश करने के बाद मुझे बगल के कमरे से फुटस्टेप आते हैं। चूंकि ऊपर वाला बंदा ऊपर कैंप कर रहा होता है तो इसको ना मार के मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बाहर से एक और बंदे का फुटस्टेप आता है। को फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तभी मुझे वो ऊपर वाला बंदा दिखता है। लौड़ा का सरकार है और इस भोसड़ी वाले चाचा का नाम होता है बॉबी बकचोद। ये आए थे इस मैच में सबके साथ बकचोदी करने और इन्हीं के साथ बकचोदी हो जाती है। तो फाइनली इनको लॉबी पहुंचा देते हैं, अब ये लॉबी जाकर बकचोदी करेंगे। तो फाइनली यार, पोचिंकी के बंदे खत्म करने के बाद तभी हमारे मिलिट्री वाले दोनों बंदे वो भी आ जाते हैं। हम थोड़ी सी लूट करते हैं और यहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। वहां से निकलने के बाद हम सीधे पहुंचते हैं रोजोक, और यहाँ पहुंचने पे हमें दिखते हैं कुछ बंदे। तो चलो देखो इनके साथ क्या होता है। Marked a location. I got supplies. इनका नाम पढ़ो। ये आती है अपने बंदों काम से बदला लेने और इनके साथ स्कैम हो जाता है। भाई मेरे पास आ जाए यार बंदे आप। तभी हमारा एक बंदा नॉक हो जाता है।
तो फाइनली यार यहाँ रोजो के सभी बंदों को खत्म करने के बाद मैं अपने बंदे को रिवाइव करता हूँ। रिवाइव करने के बाद हम जल्दी से अपना हील वगैरह पोतते हैं और जल्दी से निकलने की यहाँ से कोशिश करते हैं। हम वहाँ से बंदे खोजते खोजते पहुँचते हैं यासनाया। तभी हमें यहाँ से बंदों की फायरिंग की आवाज़ आती है, तो देखो फिर क्या होता है। तो फाइनली यहाँ भी सारे बंदे खत्म। यहाँ सबको खत्म करने के बाद हम फिर लूटते हैं, क्योंकि लूटना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो पेटी देके अपने अंदर रहा नहीं जाता है, सब कुछ रहते हुए भी उस पेटी को खोलना अपना अधिकार सा लगता है। तो फाइनली यहाँ हर पेटी को लूटने के बाद हम यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं, और ये देखो ये चाचा अभी भी लूट रहे हैं। यहाँ पे हम गाड़ी चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी हमें एक इवेज दिखाई पड़ती है। Head toward this point. Enemies ahead. यहाँ मैं हेल्थ लगाता हूँ, तभी मेरा एक बंदा नॉक हो जाता है। और आगे देखिए मेरी सस्ती स्नाइपिंग। मैं यहाँ उस बंदे को AWM से नॉक करता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे नॉक बंदे को पूरा खा जाता है। तो फिर आगे देखो क्या होता है। यहाँ मैं घर के पास आता हूँ, तभी यहाँ पे एक और गाड़ी आ जाती है। यहाँ मैं उनके दो बंदे नॉक करता हूँ और उनके आखिरी बंदे को मेरा टीममेट खा जाता है। सब मिला जुला के इस बड़े से जोन में आखिरी में बचता है सिर्फ एक बंदा। फिर हम आखिरी बंदे को गाड़ी लेके खोजने निकल पड़ते हैं। यहाँ पूरा मैप खोजने के बाद हमें वो बंदा कहीं नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग ओपन में घूमते हैं और उसको उकसाते हैं कि वो अपना लोकेशन रिवील करे। बट ये भोसड़ी वाले चाचा इतने बड़े सांप होते हैं कि निकल के नहीं देते। तो फाइनली ये बंदा अपना लोकेशन रिवील करता है और हमारे टीममेट के हाथों पेला जाता है। तो फाइनली यार इसी के साथ विनर विनर मुर्गा डिनर। तो भाई लोग ये रहा आज का गेम प्ले वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाइन आउट।